नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस पर हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में। इस शेयर के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये है कजरिया सेरामिक्स लिमिटेड, काफी बेहतरीन शेयर है। आपको चार्ट पर दिखाएंगे, रिटर्न काफी सॉलिड दिया है, काफी सॉलिड, जिसको कहते हैं रिटर्न। आप बजाज फाइनेंस से भी काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। बजाज फाइनेंस हो गया, मदरसन सोमी हो गया, इन सारे स्टॉक से भी काफी बेहतरीन रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। अभी करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस है अभी 893 रुपीज, और मार्केट कैप की बात करें 14,184 करोड़ इसका मार्केट कैप है, और स्टॉक का पी 62 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 58 का है। और इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 18% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का, और डिविडेंड यील्ड जो 1.12% का है। और वहीं पर बात करें कंपनी के रिजर्व और डेट का, तो डेट कंपनी के ऊपर काफी कम है, 98 करोड़ का डेट है मात्र, काफी कम डेट है। वही एनुअल प्रॉफिट जो है कंपनी का 231 करोड़ का नेट प्रॉफिट है एक साल का। तो देखते हैं, प्रॉफिट जो है डेट से काफी अधिक है, कंपनी कभी भी अपना डेट पे कर सकती है। वही प्रॉफिट में ग्रोथ, तो सारे कंपनी के जो प्रॉफिट में ग्रोथ इस कोरोना वायरस के पैंडमिक के कारण प्रभावित हुआ है, तो इस कंपनी के भी माइनस में 16.9% का प्रॉफिट ग्रोथ है, नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ मतलब प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। अर्निंग पर शेयर 14 का है, रिजर्व कंपनी के पास 1761 करोड़ का है, तो रिजर्व भी काफी अच्छा है, डेट भी कंपनी का काफी कम है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का रखा है 5 करोड़, लगभग 5.24 करोड़ है, तो लगभग 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का रखा है। अगर दोस्तों बात करें इसके प्रॉफिट और लॉस की, तो कंपनी का जो सेल्स है देखते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है। 2006 में मात्र 348 करोड़ का था, और अभी जो है कंपनी का सेल्स मार्च के 2020 के फाइनेंशियल में 2,808 करोड़ का, तो काफी ज्यादा सेल्स में लगातार ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट में भी कंपनी 30 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट देखते हैं, 255 करोड़ हो चुका है फाइनेंशियल 20 में, और ट्रेलिंग 12 मंथ पिछले 12 महीने में 231 करोड़ का प्रॉफिट है। तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ है। अगर बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी का रिजर्व देखिए, कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है, तो मतलब हर सेक्टर में कंपनी का जो ग्रोथ है काफी अच्छा है। अगर बात करें कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग का, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग लगभग कॉन्स्टेंट बना हुआ है, लगभग कांस्टेंट है, यहाँ पर देखते हैं 47.54 का, और इसमें कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग 47% है, FIs का भी होल्डिंग है 23, DIs का भी होल्डिंग है 15%, और इसमें गवर्नमेंट का भी होल्डिंग है 0.43% का, पब्लिक का होल्डिंग है 13% का। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का। अगर पी कंपेरिजन की बात करें, तो इस सेक्टर में कजारिया सेरामिक्स, सेरा सैनिटरी, सोमिया सेरामिक्स, एशियन ग्रेनिटो, ओरिएंट बेल, नेट को देखते हैं, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं इसमें से कई सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए, जो कि पिछले दिन भी हमने आपको बताया था सेरा सेनेटरी, सोमिया सेरामिक्स के बारे में, और भी एक कंपनी के बारे में मैंने बताया था इसी सेक्टर से है। ये सारी कंपनियां काफ़ी बेहतरीन, इस कंपनी के कई सारे स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं कंपनी, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है लगातार कॉन्स्टेंट बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा इस कंपनी का आने वाले समय में ग्रोथ होने वाला है। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में जानना हो, तो कंपनी की वेबसाइट पर आ सकते हैं कजारिया सेरामिक्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अक्षय कुमार हैं, इंडिया नंबर वन टाइल्स कंपनी है, और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आप विस्तार से कंपनी के बारे में जान सकते हैं, कंपनी प्रोडक्ट कौन से है, कंपनी अचीवमेंट क्या है, कौन कौन से अवार्ड कंपनी ने विन किया अपने सेक्टर में, और यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कौन कौन से है, तो बाथरूम वॉल टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, आउटडोर वॉल टाइल्स, लिविंग रूम वॉल टाइल्स, मतलब मुख्य रूप से ये टाइल्स कंपनी है, हर तरह के टाइल्स बेचती है। उसके बाद ई कैटलॉग पर जाकर के आप यह कंपनी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। अगर किसी को कंपनी के प्रोडक्ट बाय करना है, तो कहां से आप बाय कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि कहां कहां कंपनी के प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं, तो ये सारे लोकेशंस हैं जहां कंपनी के प्रोडक्ट बाय किए जाते हैं। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें, तो इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप 2020 के बाद कभी भी गिरावट में इन्वेस्ट किए रहते हैं, जैसे 2003 में इस कंपनी में काफ़ी गिरावट आया, तो 2003 से अभी तक का रिटर्न देखेगा तो काफ़ी बेहतरीन है। देख लीजिए कंपनी का रिटर्न 2,77,000% का रिटर्न, दोस्तों इतना रिटर्न बजाज फाइनेंस भी लगभग आपको 1,00,000% का ही रिटर्न दिया है, ये उससे लगभग 3 गुना रिटर्न दिया है। तो काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। तो ऐसे ही अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको कोई ना कोई स्टॉक एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। अब हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट तो मैंने देख लिया, अब इस कंपनी के लेवल्स और टारगेट देखेंगे, अभी क्या लेवल्स और टारगेट है, अभी कंपनी का शेयर प्राइस आपको किस लेवल पर बाय करना चाहिए, अगर बाय करते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगा लिया है चार्ट कजारिया सेरामिक्स का।
यहाँ पर देख लीजिए, ये डेली चार्ट है, आप वीकली चार्ट को फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए अभी, लेकिन आप जो शुरुआत करना है तो अभी आपको डेली चार्ट को फॉलो करना है। डेली चार्ट पर देखिए, ये हमारा पहले का हमने लेवल खींचा है, यहाँ से ये मतलब ऊपर जा चुका है और अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे आपको जस्ट वेट करना चाहिए, जैसा कि हमने आपको सिंपल बताया, ये 21 डे का मूविंग एवरेज है, 50 डे का मूविंग एवरेज है और ये हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है। कभी भी 200 डे के मूविंग एवरेज पे आता है तो यहाँ से आपको SIP इसमें स्टार्ट करनी है, और सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स पे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अगर खराब होता है तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना चाहते हैं, ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस किया है, कंपनी का टेक्निकल जो है कैसा है, मतलब टेक्निकल रूप से कंपनी कैसा है, तो वीकली चार्ट को लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वीकली चार्ट में ही देख सकते हैं, हमने वीकली चार्ट पे ही ये सारे ड्रॉइंग किया है, जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ किया है। तो ये देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इस स्टॉक ने ब्रेक किया है और यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। जस्ट यहाँ पर देखते हैं कि जनवरी मंथ में ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ये जो रैली थी काफ़ी बड़ी रैली थी, तो ये एक मेगा बुल रैली थी इस स्टॉक में भी, क्योंकि ये स्टॉक मात्र हुआ करता था 300 रुपीज़ का, 300 से 800 रुपीज़ को भी क्रॉस कर चुका है। और टेक्निकल रूप से बात करें तो ये स्टॉक पिछले 2017 से ही काफ़ी वीक रहा है, काफ़ी मतलब अप्स और डाउन्स देखने मिला है। तो इसमें जो एक ट्रेंड चलता है, एक अप साइकिल का ट्रेंड और एक डाउन साइकिल का ट्रेंड, तो जब आपको ये अप साइकिल में दिखता है तो उस समय आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, और जब डाउन साइकिल में तो थोड़ा इसे अवॉइड करना, और कभी भी ये अपना बॉटम बनाता है तो वहीं पे इन्वेस्ट करना है। तो क्योंकि ये स्टॉक जो है थोड़ा अप साइकिल और डाउन साइकिल वाले हैं, अगर आप ऊपर के लेवल पे अभी जैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से स्टॉक पे काफ़ी बड़ी गिरावट आती है, काफ़ी बड़ी करेक्शन आती है, तो फिर आप काफ़ी पैनिक हो जाएंगे। तो इसलिए अभी जस्ट वेट करना चाहिए, जैसे ये करेक्शन करता है, कहीं पर सपोर्ट लेता है तो वहाँ से SIP स्टार्ट करनी है, क्योंकि कहीं पर सपोर्ट लिया फिर से वहाँ नीचे गिरता है तो फिर आपको और अच्छे लेवल पे मतलब और सस्ते वैल्यू पर मिलेंगे। तो इन्वेस्टर्स होते हैं सस्ते प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं और महंगे प्राइस पर उसे बेचते हैं, तो सस्ते प्राइस का वेट करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जब आप पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।